अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छी अच्छी ब्रीड से नवाजे, आमीन। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ब्रीड लव बर्ड। या हमारा लव बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा होता, या हमारा लव बर्ड ब्रीड की तरफ नहीं आ रहा होता, या जिस भी हम पेयरिंग करना चाह रहे होते हैं हमारी पेयरिंग नहीं बाउंड नहीं हो रही होती, तो इसमें काफी सारे मेथड हैं जिसको हमने यूज करना है। इंशाल्लाह आपका पेयर बाउंड भी हो जाएगा और जिसको आप पेयर लगाना चाह रहे हैं वो पेयर लग भी जाएगा। तो आए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। और जिन भाइयों ने मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना है तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर रब्ता करके मुझसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। और किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें सबसे पहले ब्रदर हमने ये देखना है कि हमारा जो पेयर है उसकी एज हमने कन्फर्म करनी है कि जिससे हमने परचेज किया है ये बर्ड लिया है उसकी एज 7 से 8 मंथ है, वो ब्रीड के काबिल हुआ हुआ है। क्योंकि 7 से 8 मंथ होना लाजमी है पेयर बाउंड होने के लिए, उसके बाद आपका जाके पेयर ब्रीड की तरफ आता है। तो सबसे पहले हमने एज को फॉलो करना है। अगर आपने एज उसकी कम है तो वो ब्रीड की तरफ नहीं आ रहा, तो आप उसे ब्रीड नहीं ले सकते। अक्सर औकात भाई जो है कहते हैं कि हमारा पेयर जो ब्रीड की तरफ नहीं आ रहा, बाद में पता चलता है कि उनकी एज कम होती है। तो आपने सबसे पहले एज को फॉलो करना है। अगर एज उसकी कन्फर्म है उसके बाद भी वो पेयर बाउंड नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो आपने सेकंड जो चेक करना है कि वो ये चेक करना है कि ये मेल फीमेल कन्फर्म है। मेल फीमेल अगर कन्फर्म है तो देन जो है उनको ब्रीड की तरफ आना चाहिए। अगर मेल फीमेल कंफर्म नहीं है तो, और ये भी नहीं पता आपको कि वो मेल फीमेल है या नहीं है, तो आपने डीएनए भी नहीं करवाए हुए, तो इससे भी आपको जो है आपका पेयर जो है वो बाउंड नहीं हो रहा होता। अक्सर औकात वो फीमेल है फीमेल होती हैं, या पेयर बन भी जाता है या मेल या मेल होते हैं, इससे पेयर नहीं बन रहा होता। तो आपने ये मस्ट चेक करना है कि वो पेयर कन्फर्म है 100% और उसकी एज जो है वो कन्फर्म है। थर्ड मैटर की तरफ आते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं फिर भी आपका पेयर बाउंड नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं जिसको हमने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका पेयर बाउंड हो जाएगा। तो उसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि जो आपने मेल को और फीमेल को जो आपने जगह दी हुई है, जिस जो आपने एक डेट बाई डेट का आपने उनको जो है केज दिया हुआ है या 1.5x2 का केज दिया हुआ है, आपने करना यह है कि आपने मेल को नहीं निकालना, फीमेल को उससे अलग करके सामने वाले उसके बिल्कुल सामने उसके पोर्शन में उसको रख देना है। आपने 7 दिन तक उसको अलहदा रखना है, मेल से दूर रखना है, और मेल को उसमें रखना है जिसमें आपने फीमेल को दोबारा भेजना है। मेल को आपने चेंज नहीं करना, मेल को आपने उसी में ही रहने देना है, उस बॉक्स के अंदर ही, उस केज के अंदर ही, ठीक है। 7 दिन के बाद जब आप इंशाल्लाह उसको वापस छोड़ेंगे या उनकी जो है स्लाइडिंग हम निकाल लेते हैं, एक केज की जो स्लाइड लगी होती है उसको हम बाहर निकाल देंगे और उसके अंदर दोबारा उसको वापस आपस में छोड़ देंगे, तो वो जो हमारा पेयर इंशाल्लाह बन जाएगा। अगर हमारा पेयर फिर भी नहीं बन रहा और पेयर भी कन्फर्म है और वो आपस में लड़ रहे हैं, तो आपने उससे एक और नेक्स्ट तरीका है जो हमने आजमाना है और वो करना है, इंशाल्लाह उससे भी पेयर हमारा बन जाएगा। ये वो मेथड है जिनसे इंशाल्लाह किसी न किसी एक मेथड से जरूर हमारा पेयर बन जाता है। तो आपने नेक्स्ट जो है वो ये करना है, आपने छोटा सा हॉस्पिटल केज ले लेना है जिसमें हम बर्ड सेल करते हैं, या कोई ऐसी चीज आपने छोटा सा बॉक्स ले लेना है, जिस केज ले लेना है छोटा सा जिसमें वो दो तोते जो है बिल्कुल पास पास होके ही बैठे, तो आपने वो बॉक्स ले लेना है या केज ले लेना है, उसमें आपने उनको 7 दिन के लिए छोड़ देना दोनों को। उसमें ये होगा कि वो लड़ेंगे नहीं, वो पास पास होके बैठेंगे, उनमें मतलब कि प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और वो करीब होने लग जाएंगे। तो आपने 7 दिन तक उनको इस तरह रखना है, इंशाल्लाह आपका पेयर बन जाएगा। अगर आपका पेयर फिर भी नहीं बन रहा तो आपने उसका जो है आखिरी हल जो करना है, आपने ये चेक करना है कि कहीं फीमेल या मेल मेल कमजोर तो नहीं है, मेल में मसला तो नहीं है किसी किस्म का जो मेल फीमेल पे गालिब नहीं आ रहा, तो आपने उसको मल्टीविटामिन यूज करवाने हैं। मल्टीविटामिन तो काफी तरह के यूज है, तो मैं मतलब कि जो रिकमेंड करूंगा आपको सब भाइयों को, अगर हमारा मेल हमें कमजोर लग रहा है या ब्रीड की तरफ नहीं आ रहा, इसमें यही हल होता है। अगर हमारा फिर बाद में लास्ट में मेल का ही मसला आ रहा होता है, फीमेल उस पर हावी हुई होती है और मेल कुछ कर नहीं पा रहा होता या मेल उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, डर रहा होता है, तो हमने करना है कि मेल को हमने मतलब कि हीट की तरफ लेके आना है। उस पर लेके आने के लिए हमें एक चीज यूज करनी पड़ेगी, वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके आप फिश कैप्सूल होता है, फिश कैप्सूल आपने वो ले लेना है, आपने वो 2 से 3 कैप्सूल ले लेने हैं। आपने करना यह है कि मेल को आपने पकड़ना है, उसका जो है मुंह के अंदर उसके जो फिश कैप्सूल है उसको ओपन करना है, काट लेना है किसी भी चीज से, उसके 2 ड्रॉप आपने उसके मुंह में डाल देने हैं। 2 दिन छोड़ के फिर आपने वो 2 ड्रॉप उसके मुंह में डाल देने हैं, क्योंकि मेल जो है मेल में जब मतलब के हावी होगा और गर्म हो जाएगा हीट की तरफ आएगा, तो जहर से बता ऑटोमेटिकली वो फीमेल की तरफ रागी बुना लग जाएगा, तो वो इंशाल्लाह आपका पेयर जो है इंशाल्लाह वो बन जाएगा। क्योंकि यही तरीके होते हैं जो पेयर को हम लगाते हैं। इसमें बाकी ये भी है कि अक्सर औकात हम चेक करते हैं मतलब कि हमारे पेयर कंफर्म होते हैं लेकिन हमारी एज कंफर्म नहीं होती और हमारा डीएनए मेल फीमेल पता नहीं होता, हमें हम पेयर लगा रहे होते हैं, हमारी पेयर नहीं बन रहे होते, लेकिन और कोई हल नहीं है इसका इसके अलावा पेयरिंग बनाने का, क्योंकि ये मतलब कि पेयर यही होता है। अक्सर औकात मेल जो है या फीमेल जो है वो मेल को पसंद नहीं कर रही होती, मेल को वो मारती हैं, वो स्ट्रेस की तरफ ले जाती है, मेल वो आहिस्ता आहिस्ता स्लीप की तरफ भी जाने लग जाता है,
मेल की जब कुटापा चढ़ता है या मेल की पिटाई होती है तो वो मेल और डर जाता है। तो उसका यही हल होता है कि हमने चेक करना था मेल में किसी किस्म का इशू ना आ रहा हो। तो ये आज की वीडियो थी। तो जिन भाइयों को इस चीज़ की ना समझ आए या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस तरह करके अपनी पेयरिंग बनाएं, आपकी पेयरिंग बन भी जाएगी। यही तरीके हैं, आसान से तरीके हैं, इसको फॉलो करें इंशाल्लाह और आपकी पेयरिंग बन जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।